अंगद द्वारा जब सुना लंका का शबहार, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। भगवान राम ने अंगद के द्वारा जब लंका का समाचार सुना, प्रभु राम ने कहा सुग्रीव कि लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मधुमत हुआ है लंका पति, इसका फल उसको चखना है। प्रभु राम ने कहा सुग्रीव अब वो समय निकल चुका है और अब रघुवंश की कीर्ति पर कहीं दाग ना लगने पाए, इसलिए अपनी बानर सेना को चार भागों में विभाजित करके और लंका पर धावा मार दो। क्या कहा? इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कह कह कर हर हर महादेव, आगे को पढ़ जाओ पीलो, आगे को पढ़ शंका को हटा बजा टंका, लंका पर चढ़ जाओ पीलो। सुग्रीव अपनी पांडव सेना को चार भागों में विभाजित करके लंका पर धावा बोल दो, क्योंकि अब कर्तव्य ही कहता है कि रावण को उसके किए कर्मों का फल चखाना होगा। आज्ञा सुन कपिराज की यूथप लिए पुकार, चार विभागों में किया बानर कटक तैयार। प्रभु राम का आदेश पाते ही महाराज सुग्रीव ने अपनी बानर सेना को चार भागों में विभाजित कर लिया और आदेश कर दिया कि लंका पर आक्रमण कर दो, चारों द्वारों को घेर लो। महाराज सुग्रीव का आदेश पा करके सभी बानर चारों द्वारों को घेर लिया। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, मारू बाजे बजने लगे कि ढप ढोल और शंखों के स्वर, बलवानों की गर्जन गर्जन आकाश हिलाए देते थे। स्वर से गिरिखंड पुष्ट के बलते थे, अब तो भैया लंका के चारों द्वारों पर जब युद्ध प्रारंभ हो गया, उन छोटे छोटे बानरों के द्वारा जब राक्षस जाति पराजित होने लगी, या कह लो कि अधर्म की छाती पर धर्म ने अपनी विजय की पताका को लहरा दिया, लंकाधिपति राजा रावण को जब मालूम हुआ कि छोटे छोटे बानरों के द्वारा राक्षस पराजित हो रहे हैं, बड़े जोरों से गर्जना किया और कहा राक्षसों कई दिवस विजयी रहा कपितल सभी प्रकार,
तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। जब कई दिनों तक बानर विजय को प्राप्त होते रहे, राक्षस पराजित होते रहे, तो लंकाधिपति राजा रावण ने कहा असुरों कि धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, दस दस बीस बीस बानर कर जाए काम हजारों पर। अरे जिसका राजा स्वर्ग जीत हो, जिसके अपने कैलाश पर्वत को उठा लिया हो, जिसके युवराज ने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया हो, जिसके राजा ने यमराज को बंदी गृह में बंद कर दिया हो, उसके सहचर उसके अनुचर इन छोटे छोटे बानरों से पराजित हो रहे हैं। लंका विदेशियों को देखकर के अपने गौरव को और अपने अस्तित्व को मिटाना चाहते हो। लंका में रावण की इस ललकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया। रावण का एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था मेघनाद। उसने कहा, पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो इन बानरों से मैं युद्ध करूं। कहा, जाओ बेटा। मेघनाद अपने पिता से आज्ञा लेकर के अब युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। तो मेघनाद विचार करता है, युद्ध में जा रहा हूं, निर्णय किसके पक्ष में जाएगा तो समय बताएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि युद्ध में हम ही विजय प्राप्त करेंगे। तो उसने सोचा कि चलते चलते सुलोचना को मिल लेते हैं। सुलोचना बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों से माला बना रही थी और गीत गुनगुना रही थी। मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। गहरी नदियां नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, सभी सहारे टूट चुके प्रभु तेरा एक सहारा है, सभी सहारे टूट चुके प्रभु तेरा एक सहारा है। मेरे जीवन की नैया के, मेरे जीवन की नैया के खेवनहार तुम्ही हो, खेवनहार तुम्ही हो। सुलोचना सुंदर गीत गुनगुना रही थी और पुष्पों की माला बना रही थी। उसी समय मेघनाद पहुंच गया। सुलोचना ने जो ही अपने पति को आया हुआ देखा, तुरंत अपने पति को प्रणाम किया और पूछा, स्वामी अस्त्र शस्त्र से सज्जित कहां जा रहे हो? सुलोचना ने कहा कि स्वामी बोलो कहां जा रहे हो? मेघनाद कहने लगा, प्रिय आज युद्ध करने जा रहा हूं, तो निर्णय किसके पक्ष में जाएगा ये तो पता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि युद्ध से पहले तुमसे मिलता चलूं। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? सुलोचना ने जो ही इतना सुना तो
तो अपने पति को माला पहनाया और कहा, स्वामी यदि मन कर्म वचन से तुम्हारे चरणों की सेवा किया है, हमारे पतिव्रत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आई है, यदि हमारे सतित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो आप युद्ध में विजय प्राप्त करके आओगे। जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल पहना करके, जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल पहना करके, कह उठी सती सत के बल पर, कह उठी सती सत के बल पर, आओगे नाथ विजय पाके। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल है, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल है, क्या होगा आज रणस्थल में। अपनी पत्नी सुलोचना से मंत्रणा लेकर के वापस हुआ, सुलोचना ने अपने पति को माला पहनाया और कहा, स्वामी इस मन कर्म वचन से मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा की है, हमारे पति व्रत धर्म में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो आप युद्ध में विजय प्राप्त करके आओगे। माला पहना दिया, सभी देवता सभी शक्तियां व्याकुल होती। हे विधाता, एक राक्षस एक पति प्रता स्त्री के शतबल को लेकर के युद्ध में जा रहा है, आज ना जाने क्या हो जाए। कि हे विधना दया दृष्टि रखना, शब्दमुख उत्पात दिखाता है, सतवंती के शतबल को लेकर घननाद युद्ध में जाता है। हे प्रभु, दुनिया में जितने बल है, सबसे श्रेष्ठ पति प्रता स्त्री का बल होता है। पतिव्रता स्त्री चाहे तो असंभव को संभव कर दे और संभव को असंभव कर दे। जे ही सभी देवी देवता इस प्रकार व्याकुल उठे, तो प्रभु श्री राम मुस्कुरा उठे और उसी समय मेघनाद उन बानरों के मध्य पहुंच गया। अपनी मायावी युद्ध प्रारंभ कर देता है, छल से बल से या कौशल से लड़ता था वो योद्धारण में, छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निशारण में। पीर बानरों पे नाना विध तीर चलाता था, लड़ते लड़ते जब चूर हुई, तब डोल उठी बानर सेना, नाथ दुहाई हो या बोल उठी बादर सेना।
का मायावी युद्ध प्रारंभ होता है, कहीं छिप जाता है, कहीं प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कोहरे को छांटती हैं, उसी प्रकार मेघनाद नाना प्रकार से छुप छुप करके अपने बाणों की वर्षा कर रहा है। मेघनाद की मायावी युद्ध से समस्त बादल व्याकुल हो उठे और प्रभु राम की दुहाई देने लगे। जब लक्ष्मण भैया ने देखा कि देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की हुए लखन तैयार। जे ही लक्ष्मण ने देखा कि हमारे बानर बंधु मेघनाद के भयंकर युद्ध से पराजित हो रहे हैं, प्रभु राम से आज्ञा लिया और अपनी जटाओं को बांधा, धनुष बाण को हाथ में लिया और युद्ध स्थल में पहुंच गए। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आज अनंत भगवान महाराज लक्ष्मण जो ही युद्ध भूमि में पहुंचे, ऐसा बाण छोड़ा, एक ही बाण में मेघनाद की सारी माया नष्ट हो गई, प्रकाश छा गया। जब प्रकाश छा गया तो मेघनाद देखता है कि सामने लक्ष्मण खड़े हैं। मेघनाद हंस पड़ा, कहा हुआ अब तो बच्चे युद्ध करने आ गए। अरे लक्ष्मण एक बात सुन लो, यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का, यह सूप रखा की नाक नहीं पीछा नपाल पांडर का है, यहां मीठे की दुकानें नहीं लगी हुई है, यहां कृपाणों की धारे और बाणों की नोके हैं, यहां उस अंधे का पुत्र श्रवण कुमार नहीं जो तुम्हारे पिता ने मारा था, यहां वो बाली बानर नहीं है जो तुम्हारे भाई राम ने मारा था, यहां हमारी बुआ सुप्रखा नहीं जो तुमने नाक काट लिया था, यहां पर तुम्हारे सामने लंकाधिपति राजा रावण का ज्येष्ठ पुत्र है जिसने इंद्र को बंदी बनाया था, इसे लक्ष्मण तुम वापस चले जाओ, अन्यथा ताड़का स्वभाव खरदूषण की बध का प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। लक्ष्मण ने जब मेघनाद के वचनों को सुना, लक्ष्मण ने कहा वाह मेघनाद, तुम लोगों की बात का बुरा मानने वाले हम लोग नहीं हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रघुवंश की कमान लंका पर क्यों आई है। हां यज्ञों की ज्वाला, संत ब्राह्मणों का शताब, रघुवंश की कमान बनकर के लंका पर आई है। और एक बात सुन लो मेघनाद, युद्ध भूमि में वार्ता अधिक नहीं होती है, सिर्फ युद्ध होता है, इस युद्ध करो। लखन लाल के पैर सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में भिड़ गए दोनों वीर विशाल। अब दोनों योद्धा आपस में भिड़ जाते हैं, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा भवानी कि धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाड़ों पर बाड़ बोल उठे, पाताल
किया, पृथ्वी आकाश हिलने लगी। जब मेघनाद मेघ बाण छोड़ता है तो भैया लक्ष्मण वायु बाण छोड़ देते हैं। मेघनाद जब अग्नि की वर्षा करता है तो भैया लक्ष्मण जल की वर्षा करते हैं। नाना प्रकार की चतुराई दस कंधर तने दिखाता था, कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था। मेघनाद अपनी सारी माया को दिखा करके पराजित हो गया। इतने में भैया लक्ष्मण ने एक ऐसा प्रहार किया कि कुछ क्षण के लिए मेघनाद मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो विचार करता है मेघनाद, जिसको मैं बालक समझ रहा था वो तो हमारी मृत्यु बन करके आया है। कि तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो शमान प्रलय का है, लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। मेघनाद विचार करता है, जिसको मैं बालक समझ रहा था वो तो हमारी मृत्यु बन करके आया है। एक बात याद रखना, शत्रु को कभी भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब व्यक्ति जब शत्रु को छोटा निर्बल कमजोर समझ लेता है तो समझ लो अपनी मृत्यु को न्योता दे रहा है। मेघनाद विचार करता है कि जिसको मैं बालक समझ रहा था वो तो हमारी मृत्यु बनकर के आया है। मेघनाद विचार करता है क्या करूं, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो वीरघातनी शक्ति प्राप्त किया था उसने उसी को लेकर के आगे बढ़ा और बोला, लक्ष्मण अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस प्रभु शक्ति का रूप धार, इस प्रभु शक्ति का रूप धार, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। मेघनाद ने कहा, लक्ष्मण अभी तक मैं तुम्हें खेल खिला रहा था, अब तुम्हें खा जाने का समय आ चुका है। इस ब्रह्म शक्ति को देखते हो, इसकी विशेषता है जब ये शरीर का स्पर्श करती है तो शरीर मुर्दे के समान हो जाता है और सूर्य उदय होते होते शरीर का और प्राण का संबंध टूट जाता है। इसलिए लक्ष्मण, इसलिए सफल वो रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा, यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। मेघनाद ने कहा, लक्ष्मण अब होशियार हो जाओ, अभी तक लोग मुझे इंद्रजीत के नाम से जानते थे, अब भविष्य में मुझे लोग लखनजीत कहेंगे। लक्ष्मण जी हंस पड़े, कहा, मेघनाद अपने युद्ध से जब हार गए तब देव युद्ध की ठानी है, तुम्हारी तलवार, तुम्हारे बाण, तुम्हारी गदा, कोई भी ऐसा प्रहार नहीं था जिसको मैंने काटा ना हो, और आज जब अपने युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध ठान दिया। लेकिन सुन लो, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। तुम
झुका हमारा है। अब महाराज लक्ष्मण ने कहा, मेघनाद आप कितने भी पतित क्यों ना हो लेकिन ब्राह्मण हो और ये ब्रह्म शक्ति है, इसलिए मेरा सर झुका हुआ है, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। इतना कहा छाती को आगे कर सुख से वो महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। सभी देवताओं ने कहा वाह धन्य है ब्राह्मण। एक ब्राह्मण शत्रु के रूप में खड़ा है और फिर भी ब्राह्मण का इतना सम्मान। ये कोई सीखे तो रघुवंशियों से सीखे कि शत्रु के रूप में ब्राह्मण भी सामने है तो उसका सम्मान कैसे करना चाहिए। जो ही महाराज लक्ष्मण के शरीर का स्पर्श हुआ उस ब्रह्म शक्ति से महाराज मूर्छित हो गए। मेघनाद विचार करता है युद्ध का पहला फल है, चलो पिताजी के श्री चरणों में समर्पित करूं। मेघनाद पहुंचा, नख से लगा करके सिखा अथक प्रयास करने पर भी उस मूर्छित शरीर को नहीं उठा सका। भोलेनाथ कहते हैं भवानी पर प्रभु शक्ति थी और बात कुछ खेलना उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसान जब उठ सके नहीं तो मुंह उतरा पग डोल उठा। मेघनाद लज्जित हो गया, सर को लटका करके वापस हो पड़ा। उसी समय अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज आए, मूर्छित शरीर को प्रणाम किया और जय श्री राम कहकर के दोनों हाथों पर उठा करके चल पड़े। हनुमान जी महाराज उस मूर्छित शरीर को लेकर के जब प्रभु राम के सामने पहुंचे, समस्त बानरों ने प्रभु राम ने जब अपने भैया को मूर्छित देखा तो गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम। बानर मंडल में बचा उसी समय कुहराम। आज सभी बानर एक साथ रोने लगे, कहते थे बड़े बड़े योद्धा पर उनका पात हुआ। कपीतल पर बजरा घात हुआ। सभी बानर रोते हैं और कहते हैं विधाता तुमने रघुवंश पर कौन सा अग्निकांड कर दिया, इस बानर सेना पर तुमने कौन सा वज्र छोड़ दिया। प्रभु जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, और जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहा। हे विधाता यदि लक्ष्मण नहीं बचे तो राम का बचना भी दुर्लभ होगा, और जब राम नहीं होंगे तो लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को वापस लाना भी अत्यंत दुर्लभ होगा। सभी बानर इस प्रकार आपस में मंत्रणा करते हो रो रहे। किसी ने कहा चलो भैया ऐसा करो समुद्र में डूब करके प्राण दे दिए जाए, अन्यथा सारा संसार कहेगा कि बानरों ने रघुवंशियों को वन में बहका करके उनकी नाश कर दिया और सिर्फ जंगल में भाग गए। इस कलंक के टीके को लगाने से अच्छा है कि समुद्र में कूद करके प्राण दे दिया जाए। कि संसार कहेगा बनरों ने
मन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना, समुद्र में डूब करके अपने प्राणों पर उतर आए कि प्राण छोड़ देंगे, तो महाराज विभीषण ने कहा, बंधुओं रोने से काम नहीं चलेगा। कहा फिर क्या किया जाए, हम लोग तो परदेश में हैं, हम लोगों से क्या होगा। विभीषण ने कहा, लंका में एक वैद्यराज सुखेन है, यदि वो इस समय यहां आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, लेकिन लाएगा कौन, हम तो लंका जा नहीं सकते। हनुमान जी आ गए, कहा मुझे पता निशान दो, मैं लाऊंगा। तुरंत महाराज विभीषण ने पता निशान दिया और कहा जाओ। हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंचे, क्या देखते हैं कि वैद्यराज सो रहे थे। हनुमान जी ने सोचा जगाऊं इन्हें, लेकिन दिमाग आया जगाऊंगा और कहूंगा कि चलो मेरे भैया का इलाज करो, तो शत्रु का वैद्य हो सकता है इनकार कर दे, तो इसको बिस्तर के सहित ले चलो। जो ही बिस्तर सहित उठाना चाहा, फिर बात दिमाग में आ गई कि वहां जाएगा तो कह देगा दवाई घर पर रह गई है, तो ऐसा करो किसी प्रकार का बहाना ना बना पाने, तो मकान दुकान गोदाम सब सारी व्यवस्था ले चलो। ये वैद्यराज किसी प्रकार का बहाना ना बनाने पाए, हनुमान जी महाराज वैद्यराज को उनके मकान दुकान गोदाम के सहित सब कुछ उठा करके चल पड़े। जब रामातल में लेकर के आए कि जागा सुखेर रामातल में, जागा सुखेर रामातल में, देखा सम्मुख रघु राई है, देखा कि प्रभु राम अपने छोटे भाई को गोद में लिए रो रहे हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख आंसुओं से भीगा हुआ है। जे ही प्रभु राम की नजर वैद्य पर पड़ी, कहा है वैद्यराज कोई शीघ्र उपाय करो जिससे कि मेरा भाई ठीक हो जाए। वैद्यराज ने कहा, राम मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। कहा बोली, वैद्यराज ने कहा मैं लंका का वैद्य हूं, हमारा परिवार लंका से पलता है और आप हमारे महाराज के शत्रु हो, मैं आपके भाई का इलाज करके देशद्रोही बनूं, अधर्मी बनूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अधर्म करूं। भगवान राम ने कहा, नहीं वैद्यराज, यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुनाथ, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। प्रभु राम ने कहा, वैद्यराज मैं कभी आपसे अधर्म करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि
जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का मरण हुआ। धर्म शांति पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। श्री की मृत्यु हो गई है, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा प्यारा भाई भरत और हमारी सीता मुझसे दूर हो गए, उसी धर्म के लक्ष्मण मरता है तो मरने दो, लेकिन राम कभी नहीं कहेगा कि आप अधर्म करो। महाराज आप नहीं जानते हो वैद्यराज, मैं उस वंश से आता हूं जिस वंश के पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। वैद्यराज लक्ष्मण क्या है, धर्म की रक्षा के लिए मुझे सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ जाए, वो भी धर्म के लिए न्यौछावर कर दूंगा कि हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, तन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है। महाराज प्रभु श्री राम ने कहा वैद्यराज हम उस वंश से हूं जिस वंश के पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए मेहतर के घर में नौकरी किया था, इसी लक्ष्मण मरता है तो मरने दो, राम नहीं कहेगा कि आप अधर्म करो। भगवान राम का उदार वक्तव्य सुनकर के वैद्य शांत हो गए और कहा हे नाथ इस धर्म की चर्चा तो केवल परीक्षार्थ किया था मैंने। तुरंत वैद्यराज ने नारी को देखा, कहा प्रभु औषधि बहुत दूर है और चोट बहुत गहरी है, यदि सूर्य उदय से पहले औषधि नहीं आती है तो लक्ष्मण के प्राण बचना दुर्लभ है। हनुमान जी ने कहा कहां है वो औषधि, ब्रह्मा के घर में है, आकाश में है, पाताल में है, किसी पहाड़ पर है, बोलो कहां मिलेगी वो। इन प्रभु की कृपा हुई तो सूर्य उदय से पहले पहले लेकर के जाऊंगा। वैद्यराज ने कहा हनुमान तो उत्तर भारत में द्रोण नाम का एक पर्वत है जिसे द्रोणागिरि कहा जाता है, वहां पर संजीवनी बूटी मिलेगी ज्वाला की तरह चमकती है, और यदि सूर्य उदय के पहले पहले आ जाएगी तब तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे अन्यथा संभव है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत भगवान का नाम लिया और संजीवनी बूटी लेने के लिए चल पड़े। यह बात जब लंकाधिपति राजा रावण को मालूम हुई तो हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए एक राक्षस को नकली साधु बना करके भेज दिया, कहा जाओ हनुमान का रास्ता रोको, जिसका नाम था कालनेमी। अब वो कालनेमी राक्षस नकली बाबा बन करके और हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए बैठ गया, भगवान का गुणगान करने लगा। हनुमान जी ने जब सुना तो सोचा मिल लेते हैं। हनुमान जी जब गए तो देखा वही राक्षस बाबा बना बैठा। अब हनुमान जी शंकर जी का अवतार है, ये तो था नहीं कि
उनसे छिप जाता। हनुमान जी ने सोचा भी इसका वध करना चाहिए, इसका उद्धार करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा हम ऐसा करो महाराज जी, आप बहुत अच्छे महात्मा हो तो हमें गुरुदीक्षा दे दो। कहा तो जाओ बेटा सरोवर से स्नान करो फिर आपको गुरुदीक्षा दे देते हैं। हनुमान जी जब सरोवर में स्नान करने गए तो उसी काल में राक्षस की पत्नी मगरमच्छ बनी पड़ी थी। ये दोनों पति पत्नी थे, गंधर्व थे। महर्षि दुर्वासा के श्राप से वो मगरमच्छ बन गई थी और राक्षस बन गया था, लेकिन साथ में आशीर्वाद भी दिया था कि तुम दोनों का उद्धार एक ही साथ होगा। आज वही दिन आ गया। हनुमान जी महाराज जब सरोवर में स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे उसी समय उसकी वो पत्नी मगरमच्छ बनी जो पड़ी थी हनुमान जी को खाने दौड़ी। हनुमान जी ने उसका कल्याण किया। अब हनुमान जी महाराज आए, बोले महाराज अब पहले दक्षिणा ले फिर बाद में गुरु मंत्र दो। कहा नहीं बेटा दीक्षा ले लो, दक्षिणा बाद में देना। कहा नहीं हमारे यहाँ की परंपरा है दक्षिणा पहले दीक्षा बाद में। तो कहा ठीक है लाओ। हनुमान जी महाराज उस कालनेमी राक्षस के पैरों को पकड़ करके नचा करके फेंक दिया। जब धराधाम पर आकर के गिरा तो उसके प्राण समाप्त हो गए। अब हनुमान जी जब दोनों का उद्धार किया और फिर जब आगे बढ़ना चाहा तो सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे सूर्य ध्यान रखना इतना संकट अब सूर्य वंश पर है। हनुमान जी ने कहा हे सूर्यदेव, लंका के नीच रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के द्वारा भैया लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति का प्रहार लग चुका है और यदि आप उदय हो गए तो आपके किरणों में चमत्कार होते होते तुम्हारे ही वंश में अंधकार हो जाएगा। हे सूर्यदेव मुझे विश्वास है, आशा है कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, इसलिए जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर के वापस न चला जाऊं, जब तक लक्ष्मण भैया उठ करके बैठ न जाएं, तब तक आपके किरणों में चमत्कार नहीं होना चाहिए। हे सूर्यदेव वैसे तो आप हमको जानते हैं, बचपन में तुमको मुख में रखा था, यदि अब की बार मुख में रखना पड़ा तो चाहे सृष्टि में महाप्रलय क्यों ना आ जाए मैं तुमको उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन मेरा भैया लक्ष्मण उठ करके बैठ जाएगा। इतना कह करके हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर जब पहुंचे क्या देखते हैं सारी बूटियां ज्वाला की तरह चमक रही हैं। हनुमान जी ने विचार किया अब क्या करें, तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया। कहा चलो पहाड़ लेते चलो, वैद्यराज स्वयं औषधि ढूंढ लेंगे। हनुमान जी महाराज उस ज्वालामुखी पहाड़ जैसे चमकते हुए उस पहाड़ को लेकर के चल पड़े। रात्रि का समय था, अयोध्या के ऊपर जो ही पहुंचे भैया, और उधर महाराज भरत नंदी ग्राम में भगवान का भजन कर रहे थे। भरत ने समझा कि कोई राक्षस ज्वालामुखी पहाड़ लिए जा रहा है और यदि कहीं अयोध्या पर डाल देगा तो अयोध्या आज ही भस्म हो जाएगी। भरत जी महाराज ने हनुमान जी को बाण मार दिया और जो ही हनुमान जी के बाण लगा
तो हनुमान जी महाराज राम राम कहते हुए धराशायी हो गए। और जो ही राम जी धरती पर आने लगे हनुमान जी राम राम कहते हुए, तो पवन देवता ने सोचा अब तो बड़ा अनर्थ हो गया। ध्यान से बचिएगा, जब हनुमान जी धरती पर आने लगे तो पहाड़ हाथ से छूट गया। सुना है आप लोगों ने कि पहाड़ कहां गिरा था? जब हनुमान जी को बाण मारा भरत जी ने तो हनुमान जी धरती पर आ गए, लेकिन वो पहाड़ कहां गिरा? कभी अनुभव किया इस बात का? पहाड़ को हनुमान जी के पिता जो पवन देवता थे वो आकाश में रोक लिया। पहाड़ भी अयोध्या पर गिरा तो अनर्थ हो जाएगा। पवन देवता पहाड़ को आकाश में रोके हैं और हनुमान जी महाराज मूर्छित अवस्था में धरती पर आ गिरे। भरत जी ने जब राम का नाम सुना दौड़ते हुए आए, हनुमान जी को जगाने लगे, जागो भाई तुम कौन हो? हनुमान जी नहीं जागते हैं। बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था पीरा। जगाते थक गए, जब नहीं जागे तो भरत ने कहा तुमको राम की सौगंध है, आंखें खोलो। जे ही राम की कसम रखवाई भरत जी ने, हनुमान जी ने तुरंत नेत्र खोल दिया। देखा सामने भरत जी को, धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप, वही सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। जब भरत जी को हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा प्रभु आप यहां हो, भैया लक्ष्मण कहां है? लक्ष्मण का नाम सुनते ही भरत की आंखों में आंसू छलक आए। हे भाई बानर श्रेष्ठ, मैं राम नहीं हूं। कहा तो आप कौन है? भरत ने कहा मैं राम का वही छोटा भाई अभागा भरत, जिस भरत के कारण मेरे प्रभु राम वनवन भटक रहे हैं। जो ही महाराज हनुमान जी ने भरत का नाम सुना, महाराज हनुमान जी भरत जी के श्री चरणों में लिपट गए। सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन को, इन लोभी नयनों के द्वारा अब हनुमान जी महाराज भरत के श्री चरणों में लिपट गए और कहा वाह आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जिन प्रभु का नाम इन कानों से सुना करता था, जिन प्रभु के दर्शनों के लिए नेत्र प्यासे रहा करते थे, आज उन्हीं प्रभु के पावन पग में आ गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी ने तुरंत अपना नाम बताया और रणभूमि की सारी कथा सुना दिया। जे ही भरत ने सुना कि भैया लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति का प्रहार लग चुका है,
महाराज भरत रोने लगे। रोए हाँ भरत बहुत रोए, पर नहीं लखन के दुखों से, था घाव और ही छाती में, हरियाई इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है इतना, प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने में ही इसने अपना सब जन्म कमाया है। जब सुना कि लक्ष्मण भैया को ब्रह्म शक्ति लग गई है, बहुत रोए और कहने के, हे विधाता, ये तुमने मुझे जन्म दिया था तो लक्ष्मण जैसा भाग दिया होता, अन्यथा इस अभागे भरत के बदले कैकेयी के गर्भ से कंकड़ पत्थर बना करके जन्म दिया होता, पैदा ही करना था तो लक्ष्मण सा भाग दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। महाराज भरत जब बहुत रोए, हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब रोने का समय नहीं है, मुझे विदा करो, क्योंकि सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं पहुंचती है तो लक्ष्मण भैया के प्राण संकट में है। भरत ने कहा, हनुमान घायल हो चुके हो, आओ मेरे बाण पर बैठो और तुमको प्रभु तक पहुंचा दूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं सरकार, बस आपके आशीर्वाद की आकांक्षा, आप अपना आशीर्वाद दें, कृपा कर दें, सब ठीक हो जाएगा। जब हनुमान जी महाराज भरत से विदाई लिया तो भरत जी ने एक बाण दिया हनुमान जी को और कहा, ये बाण जाकर के लक्ष्मण को दे देना, इसी बाण से मेघनाथ की मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी महाराज उस बाण को लेकर के आकाश में जो ही उड़े, पहाड़ को रोक लिया और चल पड़े। इधर हनुमान जी महाराज उस संजीवनी बूटी के सहित पहाड़ को लिया रहे थे और उधर कि देर हुई अब तक नहीं आया हनुमति वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर, क्या जाने उस द्रोणागिर तक जाही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तुमने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। कहते हैं, मेरे प्यारे बानर बंधु, ना जाने क्या कारण है जो अभी तक हनुमान वापस नहीं आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि लज्जित हो गया हो तो उसने भी दुनिया को त्याग दिया हो। कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपद पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो, है एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। प्रभु राम अपने छोटे भाई को गोद में लिए रो रहे हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे बंधु, जब मेरा वनवास हुआ था तो मैंने तो मां की इच्छा से शाही पोशाक उतारा था, लेकिन मेरे भाई ने एक भाई की सेवा करने के लिए महलों पर ठोकर मार दी। अयोध्या जैसे साम्राज्य के सुख को त्याग करके मेरे साथ आया था मेरा भाई, यदि मैं जानता होता कि आज मेरा भाई युद्ध भूमि में मारा जाएगा तो मैं लक्ष्मण को युद्ध के लिए नहीं भेजता। भैया
अब मुझे अधिक दुख मत पहुंचाओ, उठ करके बैठ जाओ। प्रभु राम कहे लगे, भैया लक्ष्मण मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल मत भैया पर और न होगा मुझ जैसा तुम्हारा, इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा तुम्हारा, मेरे रहते प्राण शक्ति का तेरे तन में लागा, मेरे रहते प्राण शक्ति का तेरे तन में लागा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जाएगा, अखियों के तारे अखियों के तारे लल्ला अखियां तो खोल मेरे लखन दुलार जाए रेत पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए, पीती जाए रेत पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस कदी पन मन माधीर गवाए, बुझता जाए आस कदी पन मन माधीर गवाए, सूर निकल कर सूर वंश का सूर डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए, चुप चुप रह के चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलार बोल बचोल भगवान श्री राम रो रहे हैं और कहते हैं भैया मुझे अधिक दुख मत पहुंचाओ क्योंकि मेरा सारा जीवन दुखों पर ही रखा हुआ है। प्रभु राम कहते हैं भैया तुम्हारे मरने का मुझे कोई दुख नहीं है, तुम्हारे साथ साथ अपने प्राणों की बाजी लगाना पड़ जाए मुझे कोई दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है क्योंकि मैंने विभीषण की बाह पकड़ी है, इसलिए भैया उठ करके बैठ जाओ और रघुवंश के प्रण की नौका को पार कर दो, और यदि ये जानता होता कि तुम आज तुम्हें मारे जाओगे, जो जनतियों बनबंध बिछोहु पिता बचन नहीं मरती वो हो, यदि ये मैं जानता होता कि तुम युद्ध में मारे जाओगे बन में बिछो हो जाएगा, तो पिताजी के दो बचन थे, एक था 14 वर्षों का और एक था 4 दिन वाला, 14 वर्षों का महलों में था और 4 दिन वाला विदाई के समय था, क्योंकि महाराज दशरथ ने विदाई के समय सुमंत्र से कहा था सुत सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाए दिखराए पन फिरे हो गए तीन चार जाओ मंत्रीवर
तीनों को जंगल दिखा करके चार दिन के बाद वापस ले आना। यदि मैं जानता होता कि जंगल में हमारा आपका बिछोह हो जाएगा भैया, तो मैं 14 वर्ष वाला नहीं मानते, 4 दिन वाला मान लेते, और आज ये अवसर नहीं आता। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। भैया क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, क्या खबर थी हमें, पार लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा, क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण अब अधिक दुख मुझे मत दो, क्योंकि वनवास हुआ था तो बड़ी माने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था राम उर्मिला और सुमित्रा के धन को लिए जा रहे हो, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाए, लेकिन भैया प्रभु राम रो रहे और कहते हैं मेरे प्यारे बानर बंधुओं,
तुम लोगों ने मेरे साथ बड़े उपकार किए हैं, लेकिन एक उपकार और कर देना। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस रागों की इस बात पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों को, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया। एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भैया। हम दोनों भाइयों को एक वस्त्र में बांध करके हमारी चिता जला देना। यदि चिता बनाने मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना। जलनद की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। इतना कहते कहते जब प्रभु श्री राम व्याकुल हुए, उसी समय ईशान कोण में कुछ लालिमा दिखाई पड़ी। हनुमान जी आ रहे थे। सुग्रीव और जामंत ने कहा, प्रभु चिंता ना करें, इस लालिमा में, जामंत बोले, अगर नहीं चाल या चाल तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ। तुरंत हनुमान जी महाराज आ गए। सुख महाराज सुखेण वैद्य संजीवनी को निकाल करके और लक्ष्मण भैया को पिलाया। संजीवनी सुखेण ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। जी ही भैया लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई गई। महाराज लक्ष्मण राम का नाम लेकर उठ करके बैठ गए। दसों दिशाओं में हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की।